ये मुशर्रफ अली है, दिल्ली आग में मरने वाले 43 लोगों में से एक। दरअसल 8 दिसंबर को दिल्ली के रानी झांसी रोड के करीब अनाज मंडी में आग लग गई थी। मुशर्रफ अली भी आग के लपटों में घिर गए और धुएं से परेशान थे। जब उन्हें लगा कि अब वो नहीं बचेंगे तो उन्होंने अपने दोस्त मोनू को फ़ोन किया। तड़के सुबह करीब 5 बजे जिंदगी के अंतिम क्षणों में 32 साल के मुशर्रफ ने मोनू को फ़ोन किया, कहा, भैया ख़त्म होने वाला हूँ आज मैं, टाइम कम बचा है, भागने का रास्ता नहीं है, मेरे परिवार का ख्याल रखना, तू ही है भाई। इस आखिरी कॉल की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। करीब 7 मिनट का ये ऑडियो आपको स्तब्ध कर देगा। मन में तरह तरह के सवाल भी आएंगे, लेकिन आखिर में चारों तरफ सिर्फ बेबसी होगी। हेलो, हाँ बोलो। हाँ भैया खत्म होने वाला आज, खत्म होने वाला, आग लगने वाली है। हाँ? भैया आज ये करोल बाग, कहा मोनू से नंबर ले लियो, वो जो मोनुआ का गुलजार। हाँ? हाँ। इस टाइम कमरे में भागना कहीं रास्ता नहीं, आग लग गई भाई दिल्ली। हाँ होटल निकल लो वहाँ से, नहीं है मोनू कहीं को रास्ता भागने का भैया। हाँ? भागने का रास्ता नहीं है, वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया। मैं अब देखे घर का बाबू भैया ध्यान नहीं किए मेरे। अब मेरे भाई ठीक है, तू ही है भैया, अब देखे सुन पल। हाँ भैया साथ भी नहीं दिया जा रहा मोनू, अब साथ भी नहीं दिया जा रहा। हाथ कैसे लगती पता नहीं दे, मतलब अल्लाह देखे भैया साथ कैसे जा रहे, और भी जगह दाल लाए कई सारे है, तो निकलना कई बात तो नहीं फाइव मिनट को फोन करता, नहीं कुछ नहीं हो रहा। ना उसको कॉल करते ना, पहुंचे जो पानी पानी वाली। हाँ अब कुछ ना मोनू, बस साथ भी नहीं दिया जा रहा भैया, देखे जैसे भी करके ले जाइए है यार भैया, घर का ध्यान रखिए मेरे भैया, देखे बता। हाँ पानी वाली कॉल करते हो ना भैया, देखो कुछ नहीं हो रहा भाई। हम्म, ना आग क्या चला तेल मोनू, देखे मेरे बच्चों का, मेरे घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। पता ना, अच्छा और सारे वही है, जैसे किसी को एकदम से बताइए मत ना, है ना 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 ना। हाँ आराम से भैया, देखे पहले बड़े बड़ों में जिक्र करके कल को लेना आ जाइए, जैसे भी होगा। देखे कुछ ना होना, सब कुछ ना होना, तो चल अब देखे मेरे घर का ध्यान लगी। हाँ हाँ टेंशन मत लो, तू ही खबर दे, और किसी को भरोसा नहीं था, तू भरोसा करके जैसे भी चलवाओगा घर है नहीं, बड़े होने तक बच्चे तक के उम्मीद देख के जैसे भी करेंगे। तो बस सात दिन आ गया मोनू, अब सात दिन आ गया, अब वहाँ का नंबर होगा सात दिन का, अब होगा नीचे वालों को होगा, बहुत सारों ने कर दिया होगा फोन, अब तो काट करेंगे मोनू। हाँ सात दिन आ गया भैया। अच्छा वो कैसे देर में कर रही हो? हेलो 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 मोनू रोल रूल मतलब ये कमता है ना आराम ना 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 कुछ नहीं, वो गाड़ी नहीं आई पानी वाली, मोनू भैया बस घर को है ना, जब से चलवा रहे चला, वो गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं क्या कारखाने में भी आगे दिखा मोनू, अंदर भी आगे भैया दिखा, और इसलिए मिलेगी क्या? हाँ मतलब बराबर मिलेगी थी, पूरी बिल्डिंग है बस। हो चल जाएगा जैसे भी आगे कल को भैया गए भैया दे, ठीक है नहीं आई क्या पानी पिलाने वाली, मतलब वो ना मोनू साथ में नहीं आ रही, आज तो गया मत बोल,
सुन जो तू मेरी बात नहीं माना आज तक बस ऊपर वाला जैसे करे जहाँ हमारा हॉस्टल है अब निकलना कूदना का रास्ता नहीं है कहीं नहीं है कहीं नहीं बोलो नहीं कहीं नहीं सब ये रास्ता तो बस अभी टाइम है मोनू बस है ना पता उतर निकाल के ऐसा जैसे भी मोनू बताता था मोनू जयपुर वाला हाँ ठीक है हाँ वो बता देगा जैसे भी बात जाए भैया हाँ ठीक है कोशिश कर बचने की कोशिश कर नहीं भैया बस ऐसे रख देते ठीक काम बस आना बंद हो गया भैया तो क्या होगा मेरा देखो मोनू नहीं है भैया मोनू गए भैया तो गए ऊपर ऊपर मोनू जी आवेगा ठीक है भैया एकदम से जिक्र मत लगा कहीं भैया मेरे घर वालों को सवाल कर रहा है ठीक है भैया भैया बस भैया और दो चार मिनट हूँ समझ लिया मुझे धुआं नहीं आगे आगे बस बोलो हेलो ठीक है भैया बोलो भैया जैसे चला रहा मेरा घर चला लीजिए ठीक है भैया मर भी जाऊंगा तो रहूंगा वहाँ वही तुम्हारे लिए ठीक है बाल के बस तुझे देखता जैसे भी होगा तो बाल के सबको घर वाले आज तक कई साथ तो बस हमारे भैया पहले बड़ो बड़ो मजी कर चलिए एकदम से घर बंद कही ठीक है अभी तैयारी कर दे भी आने की बस मोनू चल 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 मैं करता हूँ ठीक है भैया ठीक है।